नेशनल हाईवे में फोर लेन के किनारे अवैध रूप से खड़े कंडम वाहनों और सड़क को पार्किंग बनाकर खड़े वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस और निगम की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। कार्य के तहत वाहनों को जब्त करने के साथ वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया। नेशनल हाईवे में सर्विस रोड के किनारे गैरेज संचालकों ने कंडम और पुराने वाहनों को खड़ा करने का अवैध रूप से स्टैंड बना रखा है तथा सर्विस रोड में ही ठेला संचालकों द्वारा ठेला लगाकर अवैध रूप से व्यवसाय किया जाता है। ऐसे कंडम वाहनों को हटाने ठेला संचालकों से जगह खाली कराने नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस और निगम की टीम द्वारा सुपेला चौक के आसपास अनेक कंडम और कबाड़ वाहनों को सड़क से खाली कराया गया। दुकानों के सामने अवैध रूप से रखी होर्डिंग्स हटाई गई, साथ ही अनेक कंडम वाहनों को जब्त कर वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया। अभियान की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। देखिए, नगर निगम और यातायात विभाग मिलकर संयुक्त अभियान चला रहे हैं और ये अभियान का दूसरा दिन है जिसपे जो सड़क के किनारे में प्रारंभिक तौर पे हम लोग नेशनल हाईवे जो है उसके किनारे से वाहनों को हटाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। अभी जो देख रहे होंगे कि नेशनल हाईवे में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज भी है और इसको देखते हुए जो आवाजाही है यातायात को दुरुस्त करने के लिए जो पहल की गई है वो माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर की गई है और इसी के तारतम्य में जो है वो हमारे जो निगम के भाग के टीम है, राजस्व विभाग की टीम है, यातायात विभाग के जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में उनके साथ में मिलकर जो है यह अभियान जो है चलाया जा रहा है। कब तक चलेगा सर यह? देखिए, जब तक हम लोग इसको क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक तो यह अभियान जारी रहेगा। भारत सड़क के कब्जा मुक्त होने तक अभियान निरंतर जारी रहेगा। अभियान से सड़क पर वाहन पार्किंग बनाए गैरेज संचालकों और पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री में लगे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।